a big 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 good evening to every one of you who is watching us, okay, on Instagram as well as on Facebook. Okay, today what I would say is it is raining. जो लोगों को यू नो पता नहीं है हम कौन है, माई नेम इज ख्याति रूपानी एंड आई एम अ डाइटिशियन बाई प्रोफेशन. जो मैं जैसे ही हमारे विजिटर्स थोड़े बढ़ जाए, आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आई एम गोना डू टुडे. लेकिन सबसे पहले आई थिंक हर एक चीज एक अच्छी टिप से शुरू होनी चाहिए, इजंट इट? सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोइंग टू फर्स्ट स्टार्ट गिविंग यू अ टिप. ओके, एंड दिस टिप इज वन एंड ओनली वन, विच इज आई नो बारिश हो रही है ना, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है मुंबई में. इट इज सो मच फन टू सी ऑल ऑफ दैट, राइट? वॉट आई वॉन्ट यू टू डू इज आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर वन स्मॉल थिंग. बारिश का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड को भूल जाओ. ओके, यू स्टिल हैव टू हाइड्रेट योर सेल्फ, यू स्टिल हैव टू मेक श्योर दैट आपकी वॉटर रिक्वायरमेंट, जस्ट बिकॉज थोड़ी ठंडी पड़ रही है, वो आपकी कम ना हो जाए. ओके, इट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर यू टू ड्रॉप योर वॉटर इनटेक. 2.5 to 3 liters ऑफ वॉटर एवरी सिंगल डे इज अ मस्ट. सो आई एम गोना स्टार्ट विथ, अच्छा मुझे ना प्लेन पानी अच्छा नहीं लगता. सो टूडे आई वॉज इन अ रश, एज यूजल आई एम ऑलवेज इन अ रश. मैंने मेरे पानी में नींबू डाला है. लोगों को लगता होगा, सी कैन यू सी द नींबू हियर, लोगों को लगता होगा कि नहीं यू नो अभी बारिश हो रही है, ठंड है, नींबू की जरूरत नहीं है. बट वॉट आई फील इज इट इज द बेस्ट वे टू गेट माई वाइटामिन सी. एंड बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन, अगर मैं कुछ खा रही हूँ और अगर वो आयरन में थोड़ा ज्यादा रिच है, ओके, इफ इट इज रिच इन आयरन, दिस विल हेल्प, द वाइटामिन सी विल हेल्प आयरन टू बी अब्सॉर्ब बेटर इन माई सिस्टम, ठीक है ना? सो ये तो हुई शुरुआत हमारी एक वाटर टिप से. एक सिप ले ही लेती हूँ, है ना? वाओ, ओके. कोई पूछ रहा है हाउ डज इंड्यूस्ड वाटर हेल्प, इन्फ्यूज्ड वाटर एंड लाइम क्यों हेल्प करता है, वो मैंने अभी बता दिया आपको. क्योंकि अगर मैं कुछ आयरन रिच खा रही हूं, जैसे अगर मैंने अभी अंजीर खा लिया या किशमिश खा लिया या अभी मैंने एक मस्त अच्छी सी यू नो सब्जी खाई जिसमें आयरन है, तो मुझे बहुत अच्छे से मेरा आयरन मिल जाएगा बिकॉज ऑफ वाइटामिन सी. अब कितने लोगों को ये मन कर रहा है कि एक गर्मा गर्म समोसा हो जाए या एक गर्मा गर्म प्लेट ऑफ पकौड़े हो जाए विद अ हॉट कप ऑफ चाय, है ना? वेल, टुडे आई वॉज रीडिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट चाय. आप लोगों को पता होना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाली बेवरेज आज भी चाय है. जी हाँ, इट इज नॉट कॉफी. एंड आई एम सो हैप्पी, रक्षा आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, आई एम सो हैप्पी कि इतने सारे कॉफी पार्लर्स, इतनी सारी कॉफी शॉप्स एंड स्टिल टी इज एट नंबर वन. दिस इज ऑल्सो बिकॉज ब्रिटेन एंड यूके आर थ्रू एंड थ्रू कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ टी. टी इज ऑल्सो ग्रीन टी, अर्ल ग्रे टी, बहुत सारे टीज अवेलेबल है जिसकी वजह से द कंजम्पशन ऑफ टी इज स्टिल एट अ हायर. टी और कॉफी में आई नो मैं कॉफी फ्रीक हूं, लेकिन टी और कॉफी का अगर फर्क जानना चाहे तो टी में जो कैफेन है ना, वो कैफीन थोड़ा स्लो रिलीज होता है एज कंपेयर टू कॉफी. सो दैट इज व्हाई आई फील टी इज अ मस्ट व्हेन इट कम्स टू अ डेली बेवरेज की जो आदत लग जाती है हमें वो. अब वेल, मैं एक ऐसी चीज करने वाली हूं और ऑफ कोर्स आई वांट ऑल ऑफ यू टू जॉइन अस बिकॉज टुडे वी हैव अ 20 ईयर ओल्ड कमिंग. ओके, एंड दैट 20 ईयर ओल्ड इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे, ठीक है ना? उसका बर्थडे है आज एंड शी इज ऑल्सो गोइंग टू टेल अस हाउ शी हैज लॉस्ट 25.7 kgs एंड बैटल्ड PCOS इन 7 months. ओके, सो दिलकश इज गोइंग टू ज्वाइन अस वेरी वेरी सून. दिलकश, द मोमेंट यू आर इन, यू जस्ट मेक श्योर आप फ्रेंड वीडियो रिक्वेस्ट भेज दो हमें, सेंड इट ऑन BN इंस्टा. ओके, एंड आई थिंक वी विल बी वेरी वेरी गुड टू गो. लेकिन अगर किसी को यू नो 25 किलो लूज करना है और हमें मोटिवेशन की जरूरत है उसे सुनने के लिए, एंड देन यू नो वी वांट टू गेट ऑन टू आवर लेवल, बट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट सबको पता है, राइट? मैं खुद एक यू नो वेट गेन एंड PCOS क्लाइंट रह चुकी हूं अपने आप की, इजंट इट? सो हियर इज व्हाट आई एम गोना डू. ओके, सबको, हाँ, नाज योर कम. ओके, नाज वेट, आई विल सेंड यू अ रिक्वेस्ट टू बी इन द वीडियो, बट पहले मैं कुछ कर लेती हूँ, ठीक है? वेल, मैं भी इंसान हूं, बहुत अच्छी बारिश हो रही है, सो हियर इज व्हाट आई एम गोना डू. ओके,
गर्मा गर्म समोसा मंगाया है, लेकिन मुझे सिर्फ यही करना है कि आप लोगों को आज बताना है कि ये समोसा कैसे खाते हैं और डाइट के टाइम पे भी समोसा कैसे खाते हैं। ठीक है, वी हैव अ रूल दैट वी फॉलो इन मेंटेनेंस। ठीक है, हम लोग हफ्ते में दो बार अपने आप को ट्रीट करते हैं विद अ थिंग दैट वी लाइक द मोस्ट। ओके, एंड आज क्रेविंग हो रही है, सारा घर, सारी मतलब ऑफिस में भी जो लोग हैं, आई एम श्योर दे आर ऑल्सो इन फॉर दिस ट्रीट। सबके लिए मंगाया था मैंने ये समोसा। ओके, नाउ दिस समोसा, ओके, इफ इट इज ईटन इन मुंबई यू कैन नॉट मिस द पाव। राइट गाइस, समोसा पाव जो है हमारे लिए इट इज अ स्टेपल, समथिंग दैट वी लव, इजंट इट। किनके किनके मुंह में पानी आ गया समोसा देख के, और भाई ये हमारे यहाँ स्टेशन पे बड़ा अच्छा समोसा मिलता है। लॉकडाउन में चाहे कुछ मिले ना मिले, जंक बढ़िया मिलता है, इजंट इट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टीच यू और आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये समोसे का जो सीन है ना, हम कैसे ये सेटल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, इट्स एन अननेसेसरी एडिशन, प्योर मैदा, कोई जरूरत नहीं है पाव ऐड करने की। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम ये बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी चीज जो है पाव, वो निकाल देते हैं। ठीक है, लेट्स रिमूव दिस आउट ऑफ द पिक्चर। यू सेव्ड अ गुड 80 कैलोरीज एंड यू सेव्ड अ लॉट ऑफ जंक, यू सेव्ड अ लॉट ऑफ एसिडिटी, यू सेव्ड अ लॉट ऑफ बर्पिंग एंड बेल्चिंग। सो दिस इज गॉन। ओके, अब आया हमारा समोसा। ठीक है, हम टू बाइट रूल फॉलो करते हैं व्हेन इट कम्स टू अ समोसा। ओके, सो दिस इज अ ब्रोकन समोसा। ओके, लोगों को समोसे के लिए भी आई थिंक देर आर साइड्स विच वी टेक। किसी किसी को ये क्रिस्प साइड अच्छी लगती है, किसी को नीचे वाली क्रिस्पी साइड अच्छी लगती है, लेकिन मुझे आलू वाली फिलिंग वाली साइड अच्छी लगती है, और मुझे ये अच्छी लगती है खूब सारी चटनी के साथ। सो एज यू कैन सी, ओके, आई एम डिपिंग दिस समोसा इन टू दिस चटनी एंड आई एम हैविंग अ ब्यूटिफुल बाइट ऑफ दिस अमेजिंग समोसा। ओके, अब हमको जो एक बाइट लेना। बाइट थोड़ा बड़ा हो गया। हेवन, अगर कहीं स्वर्ग है ना मुंबई में, तो वो हमारे वड़ा पाव और समोसा पाव वाले लोगों के पास है। ओके, पाव मैंने डिलीट कर दिया है। आई कैन सी दैट प्योर चटनी और प्योर समोसा इज इन माई माउथ। द फर्स्ट बाइट ऑफ अ चीट इज द अल्टीमेट दैट यू कैन हैव, द अल्टीमेट फीलिंग इन द वर्ल्ड दैट यू कैन हैव। फिलहाल मेरी फूड पाइप थोड़ी सी जल रही है बिकॉज बहुत तीखा था। मेरा सेकेंड बाइट बाकी है, तो मैं सेकेंड बाइट ले लेती हूँ गाइस। सो दिस इज द सेकेंड बाइट। मेरे काउंसलर राधिका बोल रही सही नहीं किया मैम आपने समोसा खा के, बिकॉज मेरी ट्रीट थी कि मैं अगर अगली बार समोसा खाऊंगी उसके साथ खाऊंगी, राधिका ऑफिस आ जा साथ में खाएंगे। दिस वॉज माई टू बाइट ट्रीट। ठीक है, सोल सेविंग, इसे कहते हैं आत्मा तृप्त हो जाना। इफ देर इज एनीथिंग बेटर देन दिस इन द वर्ल्ड, इट्स नॉट हैपनिंग राइट नाउ। नाउ द डील हियर इज, अब एकदम अच्छे से सुनना आप लोग, द डील हियर इज ओनली वन गाइस। दो बाइट के बाद जो तीसरा बाइट है ना, वो एक्सेस है। गॉट इट गाइस, दैट इज वॉट यू हैव टू स्टॉप एंड दैट इज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट अगर मैंने ये थर्ड बाइट ले लिया ना, इट विल टेस्ट द सेम। मुझे ये जो दो बाइट वाली अच्छी फीलिंग आई ना, वो भी नहीं आएगी। I will add calories, I will add spice, I will add unnecessary oil to my system and I will start getting acidity, I will start feeling very very guilty. So when I'm eating a samosa or anything that I like, I eat two bites of it. Ab pure hafte iski zarurat to padegi nahi. This is the most practical way to deal with all your cravings and to make sure that you are eating your cake as well as relishing it. Okay? Oh, today my sister, young one, is saying, hi, pretty sister. ये देखो जो हमेशा मेरे मेकअप पे कमेंट्स करती रहती है, but I think, yeah, we are good. ठीक है, so yes, ma'am, I just had samosa and this is how we deal with it. Right, guys? Now, I have to today make you meet a very, very, very inspirational 20-year-old
who, as I said, has lost a little more than 25 kgs in 7 months of lockdown. Not only that, she battled PCOS, and let us meet her, and today is her birthday. So all of those who are watching us everywhere else, okay, what you have to do is you have to, if you want to see her, aap usko sun paoge, but if you want to see her, you will have to come to the Instagram handle of balancednutrition.in. Okay, ready, Dilkash? I am inviting you right away. Theek hai? And here you go. Dilkash, aap kaha ho ji? Dilkash, can you send me a request again? Nahi, Dilkash, are you there? Please send me a request again. I will accept it immediately. Yes, yes, happy birthday to her. And here we go. We are viewing Dilkash's request. I'm getting many, many, many requests. हाँ जी, एक मिनट. नो, आई एम गेटिंग रक्षाज. ओके नाज, मैं आपको खुद को इनवाइट कर देती हूँ. हियर यू गो, जस्ट गिव मी अ मिनट. हियर request, and I am waiting for her. Yes, it is in fact her birthday today, and not only her birthday, she is today a very, very different person. She has come live, okay, and we all can see her. Okay, everybody who wants to see her can come on the Instagram handle of Balancenutrition. Hi Naz, how are you? Hello ma'am, fine, how are you? Very, very, very good. आप BN पे तो दिख रहे हो और बाकी के दो चैनल्स पे आपकी आवाज जा रही है, सो यू विल बी नाइस. ओके, सो नाज, एवरीबॉडी इज विशिंग यू अ लॉट ऑफ हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे. एंड आई थिंक, थैंक यू सो मच एवरीवन. सबसे पहली यू नो क्वेश्चन जो आपके लिए है वो है, आपने कौन सा प्रोग्राम लिया, कितना वेट लॉस किया और कब शुरू किया, क्यों शुरू किया? मैंने सबसे पहला प्रोग्राम लिया था वेट लॉस पीसीओडी. यस, आपको पीसीओएस था? ओके, मुझे पीसीओएस 5 इयर्स से ही था. कैसे पता चला? सिम्टम्स तो बहुत पहले से, व्हेन आई वाज इन 9th क्लास तब से मुझे पीसीओएस था. एंड ऐसा था कि इरेगुलर पीरियड्स, हेयर फॉल, अनवांटेड हेयर्स इन फेशियल ग्रोथ, इवन I was facing with every issues of PCOS. But जो भी होता है, गायनक के पास जाने से वो सिर्फ मेडिसिन देते हैं, जो 1 वीक खाओ तो पीरियड आ जाते हैं, बट वो लोग अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं. PCOS का मतलब है कि अच्छे से डाइट फॉलो करना. PCOS is not about going to gynec and taking medications. Yes, that's so true. से कुछ भी और नहीं फिर होता. क्या हुआ? मैम, वॉइस इज नॉट क्लियर. यस, योर इंटरनेट आई थिंक इज शेकिंग. सो अभी बताओ कि यस, नाउ यू आर ओके. अब बताओ, पीसीओएस प्रोग्राम शुरू क्यों किया, कैसे किया, पता कैसे चला दैट इट इज द डाइट दैट हेल्प्स यू? किसी से कुछ पता नहीं चला. आई वॉज जस्ट सिटिंग अलोन एट होम. इट वॉज अ नाइट टाइम. आई रिमेम्बर, बस सबसे सुनने मिलता था वेट लॉस ज्यादा, वेट बहुत ज्यादा गेन हो गया है, कुछ करो कुछ करो, बट कोई ये नहीं बोलता था कि कैसे कुछ करो. एंड एट द वन नाइट आई वॉज जस्ट सिटिंग एट होम अलोन. नाइट टाइम था वो, बहुत मिड नाइट हो चुका था वो. तो आई वॉज जस्ट सर्चिंग इन द गूगल. बस मेरे माइंड में पता नहीं क्या आया कि नहीं, अब ये जो भी ठीक होगा, अब ये सही डाइटिशियंस के पास या न्यूट्रिशंस के पास जाने से ही ठीक होगा. किसी ने कोई सजेशन भी नहीं. एंड मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे ये है कि बहुत स्मॉल टाउन है. ओडिशा इज नॉट वेल डेवलप्ड फॉर मेडिकेशन एंड डाइटिशियंस, कुछ भी नहीं. तो दिमाग में सिर्फ ये आया कि अब कुछ भी नहीं करना है, अब बस सीधा डाइटिशियंस को ढूंढना है कहीं से भी, और ऑनलाइन तो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं. देन आई इज गॉन फॉर गूगल सर्च. वहाँ की बहुत सारे डाइटिशियंस आए एंड आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद द मैन कि नहीं कैसे उनके सामने कुछ बोलूंगी अपने पीरियड्स को लेके. ये सारे भी इश्यूज होते थे मेरे.
फिर मुझे आपका मिला गूगल पे, एक और भी कोई था उनका भी मिला, वो भी लेडी थी, तो मैंने आप दोनों को मैसेज किया, बट पहला रिप्लाई आप लोग की तरफ से आया, तो फिर मैंने वहां से हटा दिया उनको। तो फिर उनसे बात हुई मेरी, तो उन्होंने बोला कि दक्षी मैम थी शायद, दक्षी, यस हाँ, दर्शित उनसे मेरी बात हुई। यस, शी टॉक टू मी वेरी नाइसली। जब मेरी फर्स्ट बात हुई उनसे, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते हैं हमारे पे, ये करने पे, ये ऐसे वैसे। फिर वहां से मैंने स्टार्ट किया, एंड बहुत लोग ये भी थे डिमोटिवेट करने के लिए कि कहाँ, क्यों इसमें जा रही हो, फंसोगी, ये करोगी, कुछ नहीं होगा, मत करो, तुम्हारा लॉस है। बट आई, माई फादर ट्रस्टेड मी एंड आई ट्रस्टेड माई सेल्फ कि नहीं, अब करना है तो करूंगी। देन फिर वहां से सब स्टार्ट हुआ, एंड थैंक्स टू गॉड आई एम इन वेरी गुड हैंड्स। जब मैं आई आप लोग के पास, तो मैं बहुत सही सेफ हैंड में आई, और दक्षी मैम ने मुझे बोला था कि डोंट वरी, यू आर इन वेरी सेफ एंड गुड हैंड्स, एंड यस, थैंक्स टू हर ऑल्सो। फिर आपका सब शुरू कैसे हुआ? आपका वेट क्या था? आपकी मेंटर आपको कैसे मिली? ये पूरा प्रोग्राम आपको कैसे कंफर्ट लगा? माई वेट वॉज 81, 82, यस, बहुत ही और ज्यादा था, अभी क्या अभी वेट है? 55। लुक एट यू फ्रॉम 81 टू 55. वेरी 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 गुड. एंड इन 7 months ना? यस मैम, 7 months, वेरी गुड. चलो बताओ, अब या आपकी रिलेशन मेंटर के साथ, अपने फूड के साथ कैसी थी? पहले स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुआ, मेंटर से बात हुई, तो ऐसे होता है कि इतना जल्दी किसी के साथ अटैचमेंट नहीं होता है, बट जब बातचीत हुई, मेरी मेंटर अनम थी, अभी भी हैं, एंड शी इज़ वेरी नाइस। उन्होंने ही मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया है। मुझे अगर किसी ने आगे बढ़ाया है, या मेरे वेट लॉस में अगर मुझे ऐसा होता है ना कि हाँ, आपके पीछे कोई है जो आपको गाइड कर रहा है कि नहीं आपको ये करना है, आप चीट नहीं कर सकते उस चीज़ में, तो शी वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी। इवन मेरा, जब मैं आउट ऑफ स्टेशन रहती थी, या कहीं फंक्शंस को लेके मैं आउट ऑफ स्टेशन रहती थी 5-6 days के लिए, तो भी अगर मेरा वेट अगर 1 kg ऐसे बढ़ जाता था, फिर भी उसमें भी मैं मेंटेन करती थी। मैंने बहुत कुछ सीखा है बैलेंस न्यूट्रिशन से, उनसे। तो फिर वो मुझे गाइड करती थी, वो मुझे कभी भी ये नहीं बोलती थी कि आपने क्यों खाया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं डियर, हो जाएगा, फिर से हो जाएगा। इवन शी यूज टू गिव मी गैप्स ऑल्सो कि अभी इतने दिन छुट्टी ले लो, फिर से स्टार्ट करेंगे। तो शी वॉज लाइक दैट, शी इज माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन एंड बिगेस्ट सपोर्टर थ्रू आउट माई प्रोग्राम। She is extremely proud of you. You know, she, I think, हाँ, yes, you are a young girl who has gone through everything. अब मुझे ये बताओ कि आपकी डाइट कैसी थी? Were you starving? और आपकी मेंटर भी, बैलेंस न्यूट्रिशन में तो फोन कॉल्स हम इतने अलाउ करते, फिर नहीं, आप कैसे मैनेज करते थे? क्रेविंग्स तो नहीं होती थी, क्रेविंग्स होती थी स्टार्टिंग में, बहुत ज्यादा हुई, लेकिन फिर इंसान जब माइंड सेट कर लेता है कि नहीं, आपको वेट लॉस करना है, आपको ये अपनी बीमारी को हराना है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपका माइंड सेट उस चीज पे एकदम अटक गया ना, या फिक्स हो गया कि नहीं आपको वो चीज करना है, तो फिर आप वो चीज से पीछे नहीं हट सकते हो बस। और अगर साथ में एक मोटिवेशनल और एक सपोर्टर हो, तब तो क्या ही बात है फिर। एंड वो अनम मैम थी हमेशा मेरे लिए। इफ शी इज वॉचिंग मी एंड आई लव यू अ लॉट, थैंक्स फॉर ये मेकिंग मी अपने दिस। डाइट आज साइड पे रख के देख ही रही होगी. अच्छा, एक क्वेश्चन आया है, यू ईट रोटी एंड राइस? यस, बिल्कुल खाती हूँ, अच्छा, तभी खाया हमारे था डाइट में अभी. सब कुछ होता है, रोटी राइस सब कुछ अवेलेबल होता है। अच्छा, तुम्हारी सबसे फेवरेट डिश कौन सी थी दलिया और है अभी? खिचड़ी, दलिया खिचड़ी, चिकन मंगलोरियन वॉज माई फेवरेट। हाँ, यस यस वी वर लोकल फॉर यू, वी वर ट्राइंग टू मेक इट अ लिटिल इंटरनेशनल. अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आप दिन बार खाते थे? वर यू ईटिंग ओनली वंस, ओनली ट्वाइस, क्या करते थे? नहीं, हमारे डाइट में ऐसा नहीं होता था। हमारे डाइट में 4 times खाना होता था, ब्रेकफास्ट, देन फिर मिड मॉर्निंग में कुछ खा लो, ड्राई फ्रूट्स या कुछ, देन लंच फुल ऑफ मील्स, देन इवनिंग, देन प्री इवनिंग, मीन्स अलॉट टू ईट, बट यू आर ऑल्सो लूजिंग द वेट, दैट्स इनक्रेडिबल। वेरी गुड. मुझे एक बात बताओ कि ऐप में, ठीक है ना, ऐप इज ओनली 1 year old, तो आप
ऐप में कोई तकलीफें हुई या आप कंफर्टेबल थे विद द होल चैटिंग एंड नो नो, कोई भी रिमाइंडर? तकलीफ नहीं हुई, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थी. हर चीज का टाइम टू टाइम रिप्लाई आना, हर चीज, कोई भी क्वेरीज. जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट की थी तो इतना नॉलेज कुछ भी नहीं था, बट मेरी मेंटर ने बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत अच्छे से सपोर्ट किया. जो भी मैसेज करो, बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस होते थे स्टार्टिंग से. आई रिमेम्बर आई हैव टू क्वेश्चन अ लॉट, बहुत बोलती थी उन्हें कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, शी हैज टू एक्सप्लेन मी एवरी पॉइंट वाइज. तो इसीलिए सक्सेसफुल. इसी चैट सिस्टम रखते हैं, बिकॉज देर आर सो मेनी क्वेश्चंस जिसके आंसर्स आपके पास होने चाहिए लिखे हुए. ओके, वन मोर क्वेश्चन आपको पहले पूछा था, यू हैव लवली हेयर, यू डिड नॉट हैव एनी हेयर फॉल इन द डाइट? नो नो, डाइट जब मैं डाइट फॉलो की तो मेरे हेयर्स अच्छी ग्रोथ भी होने लगे. हेयर फॉल हो रहे थे बट डाइट की वजह से नहीं, वो पहले से पीसीओएस की प्रॉब्लम है. जैसे जैसे मेरे पीसीओएस बीट करती गई, देन हेयर फॉल भी काफी रिड्यूस हुआ. अभी मैं मेंटेन कर रही हूँ. तो आपने 90 डेज पीसीओएस किया, फिर आपने इंटरमिटेंट किया, इजंट इट? यस. आपके लिए व्हाट वाज अ बेटर प्रोग्राम, और अदरवाइज यू थिंक दैट दिस सीक्वेंस वाज नेसेसरी फॉर यू, कि पहले आप पीसीओएस करो और फिर एक एडवांस्ड इंटरमिटेंट करने की कोशिश कर लो करके? हाँ, बीट पीसीओएस जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे याद है मेरे 6 6 मंथ्स पीरियड्स नहीं आते थे. 6 मंथ्स 7 मंथ्स ऐसे मेरे रुक जाते थे. तो जब मैंने बीट पीसीओएस प्रोग्राम किया, उसके ठीक 20 डेज के बाद ही मेरे पीरियड आ गए थे. एंड आई वॉज सो हैप्पी कि 6 मंथ्स नहीं आए, एंड बस 20 डेज मैंने वो प्रोग्राम किया और उसके बाद ही मुझे रिजल्ट खुद पे खुद दिखने लगा. तो मेरे लिए वाओ, बीट टीचर्स प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा. मैंने काफी इंच लॉस किया वाओ, उसमें भी. वही उस जोई पूछ रही है आपको कि आपने इंच लॉस किया कि नहीं. यस जोई, शी इज डन सो मच इंच लॉस कि आई एम शॉक लुकिंग एट हर. ऐसा लगता है ये वाली हमारी दिलकश, यू नो ओल्डर दिलकश हैड ईटन दिस दिलकश अप, यू नो. सो ऐसा लगता है कि वो दिलकश में से ये छोटी वाली ओरिजिनल दिलकश निकल गई. आई वाज सो शॉक्ड सीइंग योर पिक्चर यस्टरडे, एंड आई लव द फैक्ट दैट यू नो पहले आप इतनी गंदी पोनी टेल डाल के घुमा करते थे, आपके ड्रेसेस कैसे थे दिलकश, माय गॉड. और अब देखो आप ऐसे हॉट हॉट लग के अपने बाल सेट करके, यू नो, यस इट चेंजेस योर होल पर्सनैलिटी. ओके, दे एग्जैक्टली. हैव दिलकश फॉर यू, इज दैट डिड यू एक्सरसाइज, आपने एक्सरसाइज करी? मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करी है, बस मैं वॉक करती थी. वो भी मैंने मेंटर ने थोड़ा मुझे बताया था कि नहीं, आप आधे घंटे वॉक करो, तो मैं वो आधा घंटा वॉक करती थी. यही किया मैंने. यस, बाकी मैंने सब कुछ मोटिव, मेरा जितना भी डिवोशंस था, जो भी मैं डिवोटेड थी, सब अपने डाइट पे ही थी, कुछ भी मैंने नहीं किया. सुपर सुपर. और अभी क्या कर रहे हो? आर यू ऑन अ प्रोग्राम राइट नाउ ऑल्सो दिलकश? व्हाट आर यू यस ट्राइंग टू यस, डू? बॉडी टोनिंग एंड बॉडी टोनिंग प्रोग्राम चल रहा है अभी मेरा. इंटरमिटेंट फास्टिंग इज ओवर. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो दिलकश इज वन सच केस हु स्टार्टेड विथ हर बेस रिक्वायरमेंट व्हिच इज बीट पीसीओएस. शी वेंट इनटू इंटरमिटेंट फास्टिंग बिकॉज़ वी वांटेड हर टू लूज मोर वेट, एंड नाउ बिफोर वी ऑलवेज 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 लीव अ क्लाइंट, वी मेक श्योर दैट द क्लाइंट लर्न्स द आर्ट ऑफ मेंटेनिंग अलोंग विद बॉडी टोनिंग. वी विल बी पुटिंग अप हर पिक्चर्स वेरी वेरी सून, इनफैक्ट दे आर देयर इवन टुडे मॉर्निंग. एंड ओके, दे आर आस्किंग यू फॉर योर प्रीवियस पिक्चर्स, दे आर आस्किंग यू फॉर योर डाइट. अब ये बताओ दिलकश की डाइट शेयरिंग का क्या फंडा है? आपके कितने फ्रेंड्स ने आपसे डाइट मांगी, और आपने दी या नहीं दी, और नहीं दी तो क्यों नहीं दी? मैंने नहीं शेयर की किसी के साथ, क्योंकि मेरा मेरा पीसीएस प्रोग्राम था और मुझे वो मैं फेस कर रही थी पीसीएस. और जो भी, अगर आपको डाइट भी फॉलो करना है, अब मेरा लेके फॉलो आप कैसे करोगे? मेरी मेरी बॉडी क्या है, इसको रीड करना मेरी मेंटर को पता है कि मेरी बॉडी क्या कैसे है, क्या हार्मोनल इंबैलेंस है, कितना है क्या नहीं है. तो आप मेरा लेके तो नहीं चल सकते. आप लोग बेन ख्याति मैम के पास जाओ, वो आपको सही गाइड करेंगे और वो सही बताएंगे आप लोग को कि आपको एक्चुअली कौन सी डाइट चाहिए. मेरी डाइट, मेरे प्रोग्राम को, मेरी बॉडी को रीड मेरी मेंटर ने किया है, वो अच्छे से जानती है. आप लोगों को भी मेंटर आपकी गाइड करेंगे. ओके, वेयर एग्जैक्टली इन ओरिसा आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम बर्बल्स, स्मॉल टाउन जोड़ा.
अरे वाह, वेरी गुड। और मुझे एक बात बताओ कि यहाँ जो ये सारी विमेन जो आपको देख रही है, दे आर ऑल वॉचिंग यू, देर आर दीज टाइनी गर्ल्स, अपनी अपनी घर में यू नो उनकी बेटियां भी होगी, हु आर यू नो राइट नाउ एट द वेट दैट यू आर 80 kgs, तो उनके लिए कोई मैसेज है क्या? एनी वन हु इज जस्ट वॉचिंग अस, एनी वन हु इज जस्ट थिंकिंग नहीं मैं शुरू हाँ कर हाँ दूं, माई बिल्कुल गर्ल्स, क्या है, बिल्कुल है, मैसेज है उनको? बिल्कुल। बस इतना बोलूंगी कि अगर आप लोग ये इस प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, पीसीओएस कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसे आप अच्छे से क्योर कर सकते हो, लेकिन बस ये है कि सही खाना होना चाहिए, मेडिकेशंस बिल्कुल भी अवॉइड करना है इसमें, बस अपने डाइट को सही रखना पड़ता है, और जो भी डाइट मिले उसे फॉलो करो। उसको आप लोग ये मत बोलो कि नहीं ये नहीं खा सकते, अपने डाइटिशियन को प्लीज इतना परेशान मत करो कि नहीं प्लीज चेंज दिस, बिकॉज शी नोज वॉट यू हैव टू ईट, वॉट योर बॉडी वॉन्ट, तो वो उन्हें ज्यादा अच्छे से पता होता है। तो आप लोग कभी ये मत बोलो कि ये से चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, जो भी मिले वही खाओ। मैं भी ऐसी थी कि मैं बहुत चटोरी थी, मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, जब लेकिन जब माइंड सेट हो जाता है ना, एक बार माइंड सेट कर लो तो फिर सब हो जाता है, सब खा सकते हो। राइट, वेरी गुड, वेरी 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 नाइस। बट इसका मतलब ये है कि आपने अपनी फेवरेट चीजें खाना बंद कर दी है, तो मुझे नहीं आगे नहीं उसके बारे बिल्कुल में नहीं, बताओ। मैं खाती हूँ, चीट मील करती हूँ वेरी सब करते, गुड, मैं वेरी करती हूँ मेरी डाइटिशियन तो, और मैं जब करती हूँ तो मैं अपनी डाइटिशियन को बताती हूँ, एंड मैम इफ यू आर वॉचिंग यू कैन अंडरस्टैंड मैं बताती हूँ या नहीं बताती हूँ मुझे पता है आपके रिकॉल्स एंड यू नो एवरी 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 स्मॉल थिंग। अच्छा ये बताओ, आज बर्थडे के क्या प्लान्स है? अब कुछ शाम को क्या नहीं करना? केक कटिंग केक? होगी अरे वाह, मेरे को एक बात बताओ, लास्ट बर्थडे पे ठीक है ना, आपके कपड़ों का साइज क्या था और ये बर्थडे पे कपड़ों का साइज क्या है? इस बर्थडे पे मीडियम है एंड पिछले बर्थडे पे डबल एक्सेल था। तो फ्रॉम डबल एक्सएल टू मीडियम इज व्हाट दिस गर्ल हैज अचीव्ड, एंड इट्स अ बिग क्लैप टू यू वंस अगेन। थैंक थैंक यू सो यू मच। on the channel, and I know you are excited but you are nervous also, so this is what थैंक weight loss, you are looking so hot, you are presenting yourself on the screen यू and सो मच। thumbs also darling, bye, we all are very बाय very मैम, proud, take care, थैंक see यू, you, सी यू सून, बाय bye bye. मैम। Yes, so that was हमारी दिलकश, who has lost more than 25 kgs in 7 months. Not only दिलकश, we have so many people in lockdown who have lost a lot of weight and who have got a lot of motivation because उन्होंने अपना टाइम बर्बाद नहीं किया नेटफ्लिक्स देख के या कल करती हूँ कल करती हूँ कल करती हूँ करके. Before we wind up this live, I have to tell you a couple of things which are related to the change of season that are happening. First and foremost, you must take a look at certain things that you are going to feel. अब ये वाली जो हमारी सीजन है ना, वहां हमें सबसे पहले तो क्रेविंग होगी पकौड़ों की, समोसों की, गरम गरम चीजें विच आर एक्सट्रीमली चटोरा, चटपटा एंड सॉल्टी. दिस इज अ नेचुरल शिफ्ट यू नो इन आर एपेटाइट दैट हैपेंस. जैसे ही बारिश होती है या जैसे ही द सीजन ऑफ यू नो अ वेट सीजन बिगिंस, वी टेंड टू सिक्रीट एंजाइम्स. ओके, हमारा लिवर जो है वो वैसी एंजाइम सिक्रीट करता है जिसकी वजह से योर क्रेविंग फॉर, इट इज नॉट फ्राइड फूड, यू नीड वॉर्म फूड. ओके, यू आर क्रेविंग फॉर अ लॉट ऑफ वॉर्म फूड, एंड दैट वॉर्म फूड यू डोंट नीड अ मीठा मीठा, यू वॉन्ट फूड विच इज सॉल्टी. ओके, सो यहाँ पे हम ओडिशा के अगर थोड़े ऊपर जाए, विच इज ईस्ट इंडिया, दे हैव गिवन अस द बेस्ट फूड्स. डू यू नो मोमोज? आप लोगों को सबको मोमोज बहुत पसंद होंगे, राइट? So instead of going for fried pakoras and feeling very very bad because वो oil जो है अंदर जाएगा, और वो oil अंदर जाने के बाद आपको काफी सारा issues आएगा in terms of digesting it, right? So what you have to do is you have to move your diet towards momos, towards vegetable clear soup, towards noodle soup. Make sure that you don't use too much Ajinomoto because I am not a big fan of it. It is very very controversial. ठीक है ना, यूज ऑफ सोया सॉस, यूज ऑफ विनेगर इज समथिंग दैट यू कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट यू विल बी वेरी हैप्पी विथ.
दूसरी एक डिश है जो मेरी बड़ी फेवरेट है और वो है पता है क्या, इट इज कॉल्ड एज द थुपका। जी हाँ, अ थुपका इज नथिंग बट मोमोज स्टीम करने के लिए। सो ये क्या होता है ना, ईस्ट इंडिया में मोमो बनाते हैं जब, तो काफी सारा वेजिटेबल होता है और काफी सारा मीट होता है, राइट? तो वो वेजिटेबल और मीट के जो कटिंग्स होते हैं या जो एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स होते हैं या एक्स्ट्रा मीट होता है ना, जो पानी चाहिए हमें मोमोज उबालने के लिए, उनमें नीचे डाला जाता है एंड दैट बिकम्स अ वेरी नाइस सूपी यू नो डिलिशियस वेजिटेबल स्टॉक। सो दैट थुपका इज हैड सेपरेटली एंड इट्स लाइक रसम। यू नो, हम लोग दाल का पानी निकाल के जैसे रसम बनाते हैं, विच इज अगेन अ वेरी वेरी गुड आइडिया टू बी हैड ड्यूरिंग मॉनसून। रसम एंड ब्राउन राइस इज एन अल्टीमेट मील विच विल यू नो अगेन तृप्त कर देगा हमारी आत्मा को। दूसरा बहुत ही अच्छा ऑप्शन मोमोज एंड थुपका तो इज आर ऑप्शन। द अदर ऑप्शन इज रसम एंड ब्राउन राइस। तीसरा बेस्ट ऑप्शन जो मैं आपको बता सकती हूँ, दैट इज राजमा एंड ब्राउन राइस। ओके, राजमा विच इज कुक्ड, छोले विच इज कुक्ड, वन कटोरी ऑफ और वन बोल इफ यू आर वेइंग हैवी, वन बोल ऑफ वेरी टेस्टी राजमा विच इज देयर ऑन आवर वेबसाइट, वेरी टेस्टी छोले, ओके, अलोंग विद गर्मा गर्म ब्राउन राइस एंड अ बोल ऑफ काकड़ी टमाटर, वॉट एवर यू आर गेटिंग इन यू नो दैट पर्टिकुलर मील एट दैट पर्टिकुलर टाइम घर पे, यू हैव टू एंजॉय दैट। ओके, सो हमारी क्रेविंग्स जो है ना, वो पकौड़ों और समोसों के लिए नहीं होती, वो तो 2 बाइट, देखो मुझे तीसरा बाइट लेने का मन भी नहीं कर रहा। इट विल टेस्ट द सेम, देर इज नथिंग दैट वी कैन नॉट डू अबाउट इट एंड आई थिंक वी आर गुड टू गो। ठीक है, एज फार एज यू नो योर बेवरेज इज कंसर्न्ड, यू विल नाउ बी हैप्पियर टू हैव वॉर्म ड्रिंक्स। ओके, सो आपकी ग्रीन टी अगर बना रहे हो तो ग्रीन टी में एक स्टिक या यू नो एक डंडी सिनेमन की, विच इज दालचीनी, वो अगर उबालते वक्त डाल दिया, यू आर गोइंग टू बी एब्सोल्यूटली वेरी इजी विथ योर डाइजेशन। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यूज ऑफ जिंजर। सो फर्स्ट इज सिनेमन, सेकेंड इज जिंजर। जिंजर इन द फॉर्म ऑफ योर चाय, इन द फॉर्म ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग हैविंग जिंजर का पानी और एडिंग जिंजर इन योर डे टू डे खाना इज ऑल्सो समथिंग दैट यू विल हैव टू स्टार्ट इंक्लूडिंग इन योर डायट, बिकॉज दे आर द वंस हु आर गोइंग टू सेटिस्फाई योर एंजाइम्स इन द लिवर एंड एड बेटर डाइजेशन। सो सिनेमन, okay, the other is ginger which is adrak, and the third one, okay, is your garlic. For all those who do not eat ginger and garlic, please go ahead and use what we call as jeera, what we call as haldi, because all these are going to help you a lot. Okay, ek question aaya hai, do you diet for young arthritis patients? Of course, there are 2 types of arthritis, ek hai rheumatoid aur ek hai यू नो ऑस्टियो आर्थराइटिस। कौन सी वाली आर्थराइटिस है शुभम, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप 9820543329 एंड यू विल डेफिनेटली बट नेचुरली गेट योर आंसर। ओके, जैसे जैसे सीजन्स चेंज होती जाती है, इन फैक्ट आई वुड से दैट यू नो मॉनसून इज अ वेरी 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 गुड सीजन टू लूज वेट। हाँ शुभम, वी विल हेल्प यू विथ रूमेटॉइड ऑल्सो, बट प्लीज व्हाट्सएप ऑन, शी इज प्रियंका, न्यूट्रिशनिस्ट विल हेल्प यू, शी इज 9820543329। ओके, नाउ वेन इट कम्स टू वन मोर टिप दैट आई वॉन्टेड टू गिव यू, मैंने आपको 3 टिप्स दे दी है मॉनसून की, द 3 टिप्स वेन यू हैव टू डील विद अ मॉनसून और 3 टिप्स फॉर अ गुड हेल्दी मॉनसून आर, first don't forget your water, hydration is equally important as it was in summer, second the use of spices especially cinnamon garlic and ginger should be there in the form of condiments in your diet every single day, number 3 instead of going for pakodas make sure that you are using healthier alternatives like momos, thupka, clear noodle soup, rajma chawal, chole chawal, kadi chawal and a lot more things, right? So this is what I wanted to tell you when it comes to monsoon. Monsoon mein ek aur cheez hai jo hum kabhi kabhi nahi istemal karte uska, you know, and that is the consumption of fruits and the consumption of vegetables. Hame aise lagta hai ki monsoon hai na to naturally hamara salad aur fruit consumption kam ho jata hai, lekin इंडिया में मॉनसून में आपको काफी सारी चीजें मिलेगी, स्पेशली पीच, ओके, स्पेशली प्लम। ओके, सो पीच तो आप सबने खाया होगा, है ना,
पीच आपको हमेशा 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 अपनी डाइट में ऐड करना है, प्रेफरेबली वन अ डे. दो प्लम इन अ डे विल एंश्योर दैट आपके सारे वाइटामिन और एंटीऑक्सीडेंट रिक्वायरमेंट्स मैच हो रहे हैं. इन द इवनिंग ओके एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक आपको गर्मा गर्म स्नैक अगर नहीं खाना तो आप फनस, पता है आपको जैक फ्रूट, यस यू कैन ईट 3 to 4 जैक फ्रूट्स एंड यू विल नॉट बी हंग्री एट ऑल. दैट इज ऑल्सो अ वेरी सीजनल फ्रूट. ओके हमारे यहाँ मुंबई में महाराष्ट्र में एक लोकल बेरी मिलती है जिसे हम कहते हैं करबंदा. दैट बेरी अलोंग विथ इट्स सीड्स इज समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली हेल्दी टू हैव. सो प्लीज मेक श्योर दैट आप अपने फ्रूट्स और आप अपने वेजिटेबल्स ओके बिल्कुल नहीं 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 इग्नोर करोगे एंड सीजनल वेजिटेबल्स जो है वो खाओगे. लीची अगर आपको मिल रही है प्लीज ट्राई एंड ऐड दैट. दीज आर द फूड्स दैट यू शुड स्टे अवे फ्रॉम व्हेन इट इज मॉनसून. फर्स्ट इज ब्रेड. ओके एनी फॉर्म ऑफ ब्रेड और पाव इज ओनली गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ एसिडिटी एंड अ लॉट ऑफ यू नो what do you say discomfort in your stomach. So please avoid any form of pav. Now that becomes pav bhaji wala pav, it becomes pizza ka base, it becomes all of those things which as much as possible please try and avoid. Okay, the second thing you should avoid in monsoon is the use or eating very very high gravy foods, which is things like malai kofta, which is things like you know aapki you know cream based gravies which will come in and affect your digestion. Third, okay, which you need to make sure that you are avoiding is non seasonal foods, right? अब आपको अगर वाटरमेलन खानी है तो नहीं, वाटरमेलन समर में आती थी. ओके वो वाली वाटरमेलन अगर आप अभी मानसून में खाओगे तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर इम्यूनिटी. All right. So this is how we stay fit in monsoon. Can you please tell the name of the berry again? It is local berry and in Hindi it is called karbanda. ठीक है? अगर आप लोगों को कुछ ज्यादा ही craving हो रही है, okay? So if the craving is to eat something which is extremely sweet, मैंने कल statuses डाले थे. Let me quickly run you through these certain cravings. You know that you may face and how to get rid of them. First is, you know, are you in the zone where you are stressed and you want to keep munching, hai na? So the first thing you do is when you want to, you know, when you are stressed, you try and munch on something crunchy. Iska matlab chips nahi hai. Iska matlab hai kakdi, gajar, beetroot. Okay, all these. In fact, peaches also. What you need to do is you need to keep crunching, crunching, crunching them. You will make sure that your stress levels that very time go down by at least 20%. It is a much better bet than going and eating what we would call as, you know, chips or any other crunchy, you know, things. The second, okay, one question is that is buttermilk good in the rainy season? Buttermilk being good or buttermilk being bad depends on the weather conditions. If the dahi at home is set well, I will not see any harm in adding buttermilk to your diet because buttermilk has a lot of probiotics. आपकी सिस्टम को प्रोबायोटिक्स की जरूरत ऑफ कोर्स मानसून में पड़ती है. सो इट इज अ वेरी वेरी गुड आइडिया टू हैव दैट बटरमिल्क. ओके द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू रिमेंबर हियर इज गाइस प्लीज मेक श्योर दैट आप लोग तीन गलतियां जो करते रहते हो ना वो ना करें. दुनिया के तीन सबसे बड़े झूठ पता है क्या है? वन इज अ हेल्दियर वर्जन ऑफ अ बिस्किट. सॉरी देयर इज नो वर्जन ऑफ अ बिस्किट व्हिच इज हेल्दी. एक्सरसाइज करनी है एक, व्हाट यू शुड डू इज टेक अ डाइजेस्टिव बिस्किट पैकेट, टेक एन ओरियो बिस्किट पैकेट, टर्न अराउंड एंड सी हाउ मेनी कैलोरीज एंड हाउ मेनी ग्राम्स फैट दे हैव. डाइजेस्टिव हैज मोर कैलोरीज एंड मोर फैट. इट इज नॉट हेल्दी व्हेन इट कम्स टू कैलोरी एंड फैट काउंट. इट इज हेल्थी ओनली व्हेन इट कम्स टू फाइबर काउंट. अब ऐसी तो हमें नहीं चाहिए ना हेल्थ. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू नो और सेकेंड मोस्ट एरर दैट यू नो वी ऑल टेंड टू डू इज बाय शुगर फ्री प्रोडक्ट्स. यार शुगर फ्री प्रोडक्ट्स आप कैसे खा सकते हो? शुगर फ्री प्रोडक्ट्स आर नॉट कैलोरी फ्री. ओके शुगर फ्री प्रोडक्ट्स आर नॉट हेल्थी. दे जस्ट डोंट हैव शुगर. ओके दे हैव फैट, दे हैव ऑल अदर थिंग्स दैट you know you are going to have a tough time dealing with.
आई एम ऑल्सो गोइंग टू ओके सो विनीता जी इज आस्किंग मी दैट डाइट कंट्रोल फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म. विनीता जी यस यू कैन हैव अ वेरी वेरी गुड डाइट एंड यू कैन यू नो इन फैक्ट लूज अ लॉट ऑफ वेट विद थायरॉयड. इन द लास्ट वीक वी हैव टू केसेस पुट अप वेयर वी दे हैव लॉस्ट मोर देन 17 केजीज विद थायरॉयड. सो डेफिनेटली आप डीएम कर चुके हो, तो अगर आपने डीएम कर चुका है और अगर आपको जवाब वहां मिल रहा है तो इट्स वेल एंड गुड राइट. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांटेड टू टेल यू इज दैट अगर आपको यू नो टाइम एंड अगेन काफी भूख लगती है राइट, आई वुड से यू शुड स्टार्ट मेकिंग फ्रेंड्स विथ ओट्स और म्यूसले. दे आर वेरी हाई इन फाइबर. शुगर फ्री म्यूसले लेना, ओट्स लेना. ओके आपको नॉर्मल नट मिल्क है या घर में अगर स्किम मिल्क भी पड़ा है ना तो आप उसमें डाल के ये ओट्स को रहने दीजिए. आप जब चाहे तब खाइए. अगर बहुत सारी ठंड है व्हाट यू कैन डू इज यू कैन लीव द ओट्स आउटसाइड मिल्क वाले. अब उसके अंदर घर में जो भी है, इफ देयर इज जैक फ्रूट एट होम, इफ देयर इज पीच एट होम, इफ देयर इज दोज लोकल बेरीज एट होम, यू नो इफ देयर इज प्लम एट होम, जो भी है सारा कुछ डाल के बहुत अच्छे से आप वो खा सकते हो. सो स्टार्ट इंक्लूडिंग ओट्स इन योर डाइट. ओके हाँ कोई पूछ रहा है व्हाट अबाउट बेसन आटे का शीरा. यार देखो शीरा जो है ना आई वुड से कि वी डोंट रियली रियली नीड शीरा इन आवर डाइट बिकॉज शीरा इज अ हाई कैलोरी फूड अनलेस एंड अंटिल आप 21 किलोमीटर मैराथन करके आए हो ना आज. शीरा इज समथिंग दैट यू शुड यूज मेरी वाली यू नो क्या कहते हैं फंडा विच इज 2 bites. और अगर शीरा ही खाना है तो मैं आपको एक हेल्दी और डिजर्ट दे दूं, इट इज रसगुल्ला. ओके रसगुल्ला इज नॉट फ्राइड, रसगुल्ला इज पनीर. पनीर विच इज यू नो डंप्ड इन शुगर सिरप. अगर आप शुगर सिरप निकाल के 2 bites ऑफ रसगुल्ला, मेरे लिए 2 bites ऑफ रसगुल्ला इज हाफ रसगुल्ला. ओके वो अगर आप कर लो एंड दैट इफ यू आर ऑन एन एक्टिव वेट लॉस प्रोग्राम एज योर मेंटर. वरना आपकी मेंटर्स है ना मुझे ऐसे बोलेगी मैम आप लाइव पे बोलते हो, क्लाइंट्स करते हैं. आज योर मेंटर अपना चीट टाइम एकदम से अच्छे से फिट कर लो. ओके देन आई हैव आई थिंक शी इज पूनम चावला. शी इज आस्किंग मी आई वांट टू लूज माय वेट बट इट इज स्टक. यू नो व्हाट वेट लॉस स्टक जो होना है ना, आई वांटेड टू आस्क दैट क्वेरी टू यू नो दिलकश. बट दिलकश क्या कहते हैं आई डिडंट वांट टू कीप हर वेटिंग. बट यू नो व्हेन इट कम्स टू स्टक वेट लॉस, यार वेट लॉस स्टक होना एक बहुत आम बात है. ओके व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट जर्नी ऑफ 20 to 30 kilos, इट इज नेचुरल दैट योर बॉडी विल रेजिस्ट चेंज. आप लोग नहीं करते रेजिस्ट चेंज, आप लोगों को डाइट प्लान भेजा, कौन है जो इतना अच्छा बच्चा है जो डाइट कर लेगा, बिल्कुल नहीं ना. यू विल वॉन्ट दिस, यू विल वॉन्ट दैट, यू विल वॉन्ट दिस चेंज, यू विल वॉन्ट दैट चेंज, एंड दैट इज वॉट विल ट्रबल द हेल आउट ऑफ अस, isn't it? So what you have to do is you have to understand and give your body that little leeway. It will react. It was very happy. You are in 70s, you are 60 kilos, body was very happy. Ab suddenly kya ho raha hai na bichari ko, aap aur takleef de rahe ho, aap aur takleef de rahe ho, aap aur takleef de rahe ho, isn't it? So it's a bad idea to even you know complain about weight that is stuck. Koi nahi, you give something nice and new to your body. First of all, understand why is it stuck. Is it because you have become more relaxed? Nahi na. If you're not become very relaxed, I think aapko ek plateau breaker program ki bhi zarurat ho sakti hai. Aapko bahut sare funda use karne padenge over a period of next 2 months. It could be a little extra workout if you're working out already. Hamare yahan to bhai 95% clients don't work out. Okay, they either find it you know they're too busy or too lazy to work out. But having said that, I'm not advocating a non workout based thing. I'm just advocating something that the person is very very comfortable doing. Kyunki agar aap lifestyle change kar rahe ho na, itni bhi mat kar do ki aap 2 mahine ke upar wo kar na pao, right? So if your weight is stuck, Poonam, take a look at you know the plateau breaker program in balanced nutrition, where we will be using different concepts, a 9+1, a fat loss concept, an intermittent fasting or a toning concept. Let's see aapka kya haal hai, aap kyun stuck ho rakhe ho, aapka weight loss kya tha, kaise tha. And stuck weight loss kabhi google pe try nahi karna. Okay yes, I have lot of other questions. Is ragi good for children? How to prepare ragi for kids? Ragi is very very nice for a lot of children. Ragi mein kafi sara calcium hota hai. It is a cheaper form of calcium for all those who are in the low socio economic group, and it is very good for us. Fiber mein sabse zyada hai, but
अगर मैं आप लोगों को, गाइस आर यू गाइस एंजॉयिंग दिस, शुड आई कंटिन्यू द कैल्शियम रिक्वायरमेंट ऑफ रागी एंड व्हाट हैपेंस? नाउ सी, इफ यू गो टू सी टेक्स्ट बुक वाइज, ओके, रागी रागी हैज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैल्शियम दैट अ सीरियल कैन एवर हैव, इवन हायर देन मिल्क. सो why not have lot of ragi only? The difference here is that the calcium, okay, that is absorbable from ragi is a little lesser. The bioavailability of calcium in milk is higher, okay? So when you make a ragi, what you need to do is you need to make a ragi porridge, okay? Use milk, use ragi, roast ragi a little bit in half teaspoon of ghee, okay? You put little jaggery in it. Consistency, you know, can vary. What I do is when I'm making a ragi porridge, I add ajwain to it as well and I add haldi to it as well. Well, mera palate to ghar mein sab bolte, tere paas to taste ki zaban hai hi nahi, kuch bhi kha leti hai. So that is how I make the ragi porridge at home. And aaj jaise barish ho rahi hai, mujhe lagta hai ye sab ragi porridge peene wale hai, jo aadhe chamach ghee se bani hui hai. Bahut achhe se ragi roast ki hui hai. We're adding skim milk to it and we'll be adding little jaggery, haldi and ajwain to it. This will make an excellent ragi malt drink for them. You can get ragi malt in the market also. It's very, very nicely available. Okay. Yup. I love the way you explain. Thanks. Is rolled oats good or not? Rolled oats, any oats are good. Yeah. If you try and use the oats which are, you know, in the grain form, yaar usko banate banate hi 3-4 din lag jayenge. So I think the rolled oats with that kind of you know, fiber are perfectly fine to have, right? Bahut hi sweets craving hua to Rashmi rasgulla, okay, theek hai. Now I think I have answered almost all your questions. Buttermilk I answered, rheumatoid arthritis was answered. Yes guys, I think we've covered all of the, okay, lockdown mein weight loss, can you name that berry again? Yes guys, I think we did a pretty good session today. Before I part ways with you, I am going to tell you about a very, very, very special month that is going on at BN. It is the founder's birthday month. Yes, and this month we try and come up with offers for our clients that we have never come out before. One such offer, Wow Wednesday, is introduced already. So all the old clients of Balanced Nutrition, please go ahead and ask your mentors or talk to the counselors. For the new clients of Balanced Nutrition as well, 9 p.m. today, a flat 50% off on all our programs is ending. So why wouldn't you go and speak to Aratrika, which is 98204-55544. And you can speak to Priyanka on 98204-543329. Please get your 50% off. And when is a better way to start but now? Okay, I am going to keep watching your two bites. Okay, do not start your Netflix after this. Family man bada acha hai na, so do not sit and munch unnecessarily. Okay, munch smartly and you could be the next person we have. Bye bye guys, take care.